डियर स्टूडेंट, आप सभी का मैं एग्जाम टीवी पे स्वागत करता हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है योग एक अनूठी पहल। योग पे आपको निबंध लिखना है और अगर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। तो देखो कि यह सर्वविदित है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2015 से विश्व भर में प्रतिवर्ष इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। 2016 के योग दिवस के अवसर पर लगभग सभी देशों ने इसे अपनाया। साथ ही साथ भारत में भी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्रयासों से भी इसे पूरे देश में एक जश्न के रूप में मनाया गया। ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अब देखो, प्राचीन काल से ही हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत अध्यात्म और योग विद्या में अग्रणी रहा है। अब यह प्रश्न उठता है कि योग क्या है। योग शब्द का शाब्दिक अर्थ ही है कि चित्त वृत्तियों का निरोध। भारत में योग आध्यात्मिक प्रक्रिया को कहते हैं जिससे शरीर मन आत्मा को एक साथ लाने का काम होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने एक स्थल पर यह कहते हैं कि योग है कर्मसु कौशलम, अर्थात योग से ही कर्मों में कुशलता आती है। योग है कर्मसु कौशलम, अर्थात योग से ही कर्मों में कुशलता आती है। हालांकि आगे चलकर ये विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों में ऐसे बदलाव किए गए कि हमारी कुछ चीज़ों को मूल रूप से हमसे जुड़ी हुई थी वो भी हमसे दूर चली गई। जैसे योग, फिर क्या हुआ कि बाबा रामदेव सहित अन्य योगाचार्यों के अथक प्रयासों से न सिर्फ योग को सारे देश में घर घर तक पहुंचाया गया अपितु पूरे विश्व में भी इस योग को एक मिसाल के रूप में, मिसाल के तौर पर इसको पेश किया गया। ये सब इंडिया के जो योगाचार्य हैं उनका कमाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र संघ के 177 देशों का समर्थन लेकर योग को न केवल अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का फैसला, अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने के लिए एक योग दिवस घोषित किया अपितु इसे वैश्विक मंच पर भी स्वीकृति प्रदान की। और तो और यह अकेला प्रस्ताव है जो कि 90 दिन के अंदर ये पारित किया गया। तुरंत इसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने पारित कर दिया। आज जहां दुनिया नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त है, जैसे रोग बीमारियां आम जिंदगी का एक हिस्सा सा बन गया है, और साथ ही इलाज की निकटता न होना, उपलब्धता का न होना या इलाज या दवाइयों का महंगा होना, निश्चित रूप से यह एक आम आदमी के लिए बेहद ही कठिन होता है। अब योग के माध्यम से बड़ी दवाइयों के मूल्य के बोझ से जहां लोगों को छुटकारा मिला, वहीं छोटी छोटी एवं कुछ बड़े रोगों को छोड़कर सभी बीमारियों का इलाज संभव हो सका है। अब देखो, इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के बीच एक गंभीर मुद्दा उभर कर सामने आया। इसे एक विशेष धर्म समुदाय के कुछ लोगों के द्वारा उनके धर्म के प्रतिकूल, इसको धर्म के प्रतिकूल बताया गया। परंतु योग को एक धर्म विशेष की विरासत और या संस्कृति माना गया, परंतु यह सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक बहस है, क्योंकि पूरी दुनिया ने योग को स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद माना है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व तो होते हैं आपको समाज में भी जो बेवजह या फालतू बता रहे हैं। योग निश्चित रूप से एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से कोई भी इंसान घर में भी आधे से एक घंटा तक योग करके कई बीमारियों से अपने आप को बचा सकता है। और इसके द्वारा शरीर के भौतिक भाग के साथ साथ मनोवैज्ञानिक भाग को भी बेहतर ढंग से सही रखा जा सकता है तथा एक स्वस्थ भारत का निर्माण किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।